अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सहबाज। आज के शोरूम में हम आपको बताने वाले हैं सिंगल फेज 3HP मोटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये है दोस्तों खेतान का एक 3HP का मोटर जो कि 220 वोल्ट सिंगल फेज AC बेस पर वर्क करता है। जो इसके RPM है वो हैं 1440 और दोस्तों ये 2.25 किलोवाट का है। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो वाइंडिंग कर कंप्लीट की हुई है, साथ में जो इसकी फ्रंट साइड से सिलाई भी कंप्लीट किया हुआ है। तो अब चलते हैं हम कनेक्शन साइड की ओर और हम आपको कनेक्शन बताएंगे। तो दोस्तों ये हैं इसकी कनेक्शन साइड। अगर दोस्तों आप इन कनेक्शंस को डायग्राम के जरिए समझना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। दोस्तों हमारे सिंगल फेज 3HP मोटर के अंदर टोटल 8 कॉयलें हैं। दोस्तों इनमें 4 कॉयल रनिंग की हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये चारों रनिंग कॉयलें हैं। ये दोस्तों डबल वायर से वाइंड की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डबल वायर यूज़ किया गया है। ये दोस्तों डबल 22 नंबर वायर है, हो सकता है आपका सिंगल वायर भी हो, ठीक है। ये चार इसमें रनिंग कॉयलें हैं और इसमें दोस्तों चार हैं स्टार्टिंग कॉयल, एक, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार स्टार्टिंग कॉयलें हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, जो ये रनिंग कॉयल हैं, ठीक है, ये हमारी रनिंग कॉयल हैं जो कि आपको मोटे मोटे दिख रहे होंगे, और जो दोस्तों ये ऊपर की तरफ हैं जो कि सिंगल वायर पतले वायर से वाइंड की गई हैं, ये हमारी स्टार्टिंग कॉयल है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, रनिंग कॉयल्स के अंदर डेल्टा कनेक्शन किया जाएगा और स्टार्टिंग कॉयल के अंदर कनेक्शन सीरीज में किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे रनिंग कॉयल के कनेक्शन। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉयल के वायर्स को अलग कर देते हैं। ये 8 वायर हैं, इन्हें हम फिलहाल के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है, इन्हें हम अंदर की तरफ डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, चारों हमारे रनिंग कॉयल हैं, ठीक है। प्रत्येक कॉयल से दो वायर निकल कर आते हैं। मान लीजिए इस वाली कॉयल से ये सिरा निकल कर आया जिससे हमने स्टार्ट किया, ये हमारा इनर वायर होगा, स्टार्ट वायर बोल सकते हो, जो कि बड़ी ही बड़ी कॉयल से निकल कर आता है, ठीक है, जो कि मैंने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहीं पर दोस्तों इसी कॉयल से हमारी छोटी ही छोटी कॉयल से निकल कर आता है वायर जिस पर हमने कॉयल बनाना एंड किया, ये होगा हमारा एंड वायर, जिसे हम आउटर वायर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे सीधे हाथ की तरफ होगा, राइट हैंड साइड। इसी तरह से दोस्तों ये सिरे सभी कॉयल्स में अप्लाई होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीधे हाथ की तरफ आउटर और यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ आउटर और ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ इनर वायर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये सिरे आपको सभी कॉयल में अप्लाई करने होंगे, सभी में इसी तरह से माने जाएंगे। इस दूसरी वाली कॉयल में आप देख सकते हो उल्टे हाथ की तरफ जो बड़ी बड़ी कॉयल से निकलता है ये इनर वायर, और जो सीधे हाथ की तरफ दोस्तों रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये हमारा आउटर वायर होगा, ठीक है, इसे हम एंड वायर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से चारों कॉयल्स में इन सिरों को हम अप्लाई करके इसी तरह से मानने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी भी एक कॉयल से कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों मैं इस वाले कॉयल से कनेक्शन स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, फर्स्ट इनर वायर को खाली छोड़ देना है, ठीक है, ये इसका आउटर वायर है, ये लेना है आपको, और इस आउटर वायर को आपको नेक्स्ट वाली कॉयल, ठीक है, जो भी है उसके आउटर वायर से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल, तो यह है, पहली कॉयल के छोटी छोटी कॉयल के वायर को लेते हैं और दूसरी वाली कॉयल के छोटी छोटी कॉयल को वायर लेते हैं और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पहली और दूसरी कॉयल का दोनों का इनर वायर बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है तीसरे वाले कॉयल की। यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे वाले कॉयल का इनर वायर खाली छोड़ देना है जो कि बड़ी बड़ी कॉयल से निकलता है। तीसरे वाली कॉयल के आउटर वायर को लेना है जो कि सीधे हाथ की तरफ है, और इस आउटर वायर को आपको चौथी वाली कॉयल के आउटर वायर से मिला देना है, यानी कि इस वाले वायर को, ठीक है, और इस वाली कॉयल के वायर से मिला देना है, यानी कि तीसरी वाली कॉयल की जो छोटी छोटी कॉयल से वायर निकलता है उसे हम चौथी वाली कॉयल के छोटी छोटी कॉयल वाले वायर के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों चारों कॉयल्स के इनर वायर हमारे सामने आ जाएंगे। अब ज्वाइंट किस तरह से करना है दोस्तों, पहले तो आपको दोनों तरफ से वायर्स पर स्लीव पाइप डालना है, जिन दो वायर्स के बीच में आपको ज्वाइंट करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दो नंबर स्लीव पाइप यूज़ में किया है, ठीक है, दोनों तरफ से इन पर हम स्लीव पाइप डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक तकरीबन 5 नंबर स्लीव पाइप एक वायर की तरफ डालना है। इससे अगला दोस्तों आपको करना क्या है, जो ये वायर है इनके ऊपर होता है दोस्तों पॉलिश, इसे हमें करना है रिमूव। तो या तो दोस्तों आप इन्हें जला लीजिए या फिर इन्हें आप रगड़ कर भी इनका जो पॉलिश है उसे आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिमूव कर लिया है दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हमें इन वायर्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो दोस्तों ज्वाइंट आपको अच्छे से करना है, बेहतरीन ज्वाइंट करने के लिए आप इन्हें शोल्डर भी कर सकते हो। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों आपको ज्वाइंट को अच्छे से कर देना है टाइट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने ज्वाइंट को अच्छे से टाइट कर देता हूँ,
और इसके ऊपर आपको जो ये हमने 5 नंबर सिली पाइप डाला है इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक जॉइंट हमारा ये था और एक जॉइंट था हमारे तीसरे और चौथे वाली कॉइल के बीच में, एक ये वाला, ठीक है, और एक हम ये वाला भी कर देते हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देख सकते हो हमारी दो जॉइंट हो गए, फिलहाल हमारे पास 4 वायर हैं। अब पहली वाली कॉइल का जो हमारे पास इनर वायर था, ठीक है, ये वाला जो कि बड़ी बड़ी कॉइल से निकला इस वाली से, और तीसरी वाली कॉइल का जो इनर वायर था बड़ी बड़ी से निकला, आमने सामने दोनों वायर्स को ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे और जो हमारा एक वायर बनेगा इन दोनों को ज्वाइंट करने पर, वो होगा हमारा R1 यानी रनिंग कॉइल का पहला वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिलहाल दोस्तों हमारे पास 2 वायर बचे हैं, एक आता है दूसरी वाली कॉइल से और एक आता है चौथी वाली कॉइल से, दोनों इनर वायर हैं और दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। एक आया हमारा यहाँ से, एक आया यहाँ से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों वायर आमने सामने हैं, जो कि ये है दूसरी कॉइल का इनर वायर और यह है चौथी वाली कॉइल का इनर वायर। दोनों को दोस्तों एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों हमारा वायर बनेगा वो होगा हमारा R2 रनिंग कॉइल का सेकेंड वायर, ये था R1 रनिंग कॉइल का पहला वायर। दोनों को या तो आप इनमें वायर जोड़ कर इन्हें बाहर निकाल लीजिए, या फिर दोस्तों आप चाहें तो इन्हें सिली पाइप डालकर सीधे ही बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों R1 आपको एक वायर बनाना है और R2 आपको एक वायर बनाना है। इस तरह से हमारे 2 वायर बनते हैं रनिंग कॉइल में। इसी तरह से होंगे दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। फिलहाल दोस्तों मैं इनमें एक्सटर्नल वायर यानी फ्लेक्सिबल वायर होते हैं जो ज्वाइंट नहीं करता, मैं इन्हें दोस्तों सीधे ही सिली पाइप डालकर मोटर से सीधे ही बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ 2 होल दिए हुए हैं, इस होल से हम इन वायर्स को पास कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी 2 वायर निकल गए रनिंग कॉइल के। ठीक है, इस तरह से हुआ हमारा दोस्तों कंप्लीट डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन की, जो कि दोस्तों हमें सीरीज में करने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर्स को निकाल लिया है। यहाँ पर दोस्तों अब समझना है आपको इन सिरों को कि ये स्टार्टिंग कॉइल के सिरे आखिर किस तरह से निकलते हैं और कौन सा इनर है कौन सा आउटर। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी छोटी छोटी कॉइल से वायर निकला, जो कि मैंने सीधा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हो गया आउटर वायर यानी कि एंड वायर बोल दीजिए आप इसे, बात वही है। और यहाँ पर दोस्तों इसी कॉइल में जो बड़ी बड़ी कॉइल से निकलता है, जो कि मैंने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हुआ हमारा इनर वायर। अब दोस्तों मान लीजिए मैं इसी कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस कॉइल का मैं आउटर वायर लेता हूँ जो कि मेरे सीधे हाथ की तरफ आया, और इससे नेक्स्ट वाली कॉइल का भी आउटर ही वायर लेते हैं और इनर वायर को छोड़ देते हैं और इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं। दोस्तों ये दोस्तों हमारे दोनों वायर, पहले वाली कॉइल के सीधे हाथ का तरफ वायर और दूसरी वाली कॉइल के सीधे हाथ का तरफ का वायर। अब दोस्तों दूसरी वाली कॉइल से ये बड़ी बड़ी कॉइल से वायर निकलता है इनर वायर, इसे हम तीसरी वाली कॉइल के इस इनर वायर के साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो बारी आती है हमें तीसरे वाले कॉइल के, ये जो आउटर वायर है, ठीक है, इस आउटर वायर को यहाँ पर दोस्तों इससे नेक्स्ट वाली, ठीक है, इससे अगली वाली, ये वाली, इसका जो ये आप आउटर वायर है ये वाला, इसके साथ में ज्वाइंट कर देते हैं। और दोस्तों इस पोजीशन में हमारे पास 2 वायर बचते हैं। ठीक है, एक ये वाला जो कि हमारा S1 होगा स्टार्टिंग कॉइल का पहला वायर, और दोस्तों एक होगा ये वाला जो कि होगा हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा वायर। ठीक है, ये दोस्तों था सीरीज सिंपल कनेक्शन। अब ज्वाइंट आपको किस तरह से करना है, वही दोस्तों सिंपल सा, आपको दोनों वायर्स के बीच में एक सिली पाइप डालना है और दोस्तों आपको करना है जो कि वायर का जो पॉलिश होता है ना उसे रिमूव कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों मार्केट में केमिकल वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि पॉलिश रिमूव करने के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कर लिया है और ज्वाइंट को कम्प्लीट कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको ये सिंपल से कनेक्शन करने हैं। इस तरह से मैंने ये ज्वाइंट कर दिया, ये हमारा पहला ज्वाइंट हो गया। इसमें दोस्तों कंप्लीट 3 ज्वाइंट होंगे स्टार्टिंग कॉइल के अंदर, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरा दूसरा ज्वाइंट, ठीक है, जो कि दूसरी से तीसरी कॉइल के बीच में था, और ये हमारा तीसरी से चौथी वाली कॉइल के बीच में। 2 वायर बचते हैं हमारे पास में दोस्तों, जो कि हमारा हो गया S2 और ये हो गया S1। इन दोनों को दोस्तों हम सिली पाइप डालकर, ठीक है, और इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं जो कि ऊपर की तरफ होल दिए गए हैं उनसे। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो सीधे एक वायर को यहाँ पर क्लिच प्लेट के साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों वायर्स को बाहर ही निकाल देता हूँ, इससे दोस्तों क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी, वो थोड़ा आपके लिए कठिन साबित होगा। इस वजह से चलिए यहाँ पर दोस्तों जो 2 वायर हैं स्टार्टिंग के, दोनों को ही ऊपर की तरफ दिए गए होल से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हो हमारे पास 4 वायर निकले हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, 2 हो गए स्टार्टिंग के और 2 हो गए रनिंग के। अगला दोस्तों आपको इसका कनेक्शन साइड की ओर से सिलाई कर देना है कंप्लीट,
दोस्तों देख सकते हो मैंने इसका सिलाई कर कर कंप्लीट कर दिया है। साथ में दोस्तों जो इसके वायर्स हैं आपको चारों वायर्स का जो कैम पॉलिश है वो रिमूव कर लेना है। और दोस्तों अब मैं आपको मोटर कंप्लीट फिट कर कर इसके वायर्स कनेक्शंस को समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक वायर है हमारा ये वाला और एक है ये वाला। ये हमारे हो गए रनिंग वायर, ये दो हो गए स्टार्टिंग वायर, और जहाँ पर दो ब्लैक हैं ये हैं हमारे क्लच प्लेट के वायर। ठीक है, छह वायर हो गए टोटल। कनेक्शन किस तरह से करना है, एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर एक रनिंग कॉइल का वायर, दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर ये वाला और एक क्लच प्लेट का वायर कोई भी ये वाला इसके साथ में हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक 200 से 250 mFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, जिसका हमें एक वायर यहाँ पर ज्वाइंट करना है, एक यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ये मेरे पास है एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसका एक वायर हम ज्वाइंट कर देते हैं एक रनिंग कॉइल के वायर के साथ में, जो कि हमारा ये था रनिंग वायर है। ठीक है, और एक हम कर देते हैं क्लच प्लेट के वायर के साथ में इस वाले वायर के साथ में। ठीक है, इस तरह से हुआ वायर कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर लगाना है आपको दोस्तों एक लगाना है यहाँ पर। ठीक है, एक लगाना है यहाँ पर। यदि मोटर चलता है उल्टा तो इस रनिंग वायर को यहाँ पर ले आइए और इस वायर को इस वाले को यहाँ पर ले आइए, मोटर सीधा चलने लगेगा। ये अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथ में दोस्तों अपने दिलो दिमाग की बातें, आपको कुछ जानना हो तो नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ में दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ में। थैंक यू।